नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लेके आया हूँ वैगनार LXi CNG। स्पेसिफिकेशंस की बात कर देते हैं। 1.0 लीटर की है, 998 cc है। पावर है इसकी 68 PS 50 किलोवाट 5500 RPM पे। CNG की बात करते हैं तो 59.1 PS 43.5 किलोवाट और 5500 RPM पे। टॉर्क की बात करते हैं तो 90 Nm 3500 RPM पे। CNG में 78 Nm टॉर्क की बात करते हैं तो 3500 RPM में। एवरेज की बात करते हैं तो 32.52 किलोग्राम CNG में है और नॉर्मल अगर पेट्रोल में 21.79 किलोमीटर प्रति लीटर है। फ्यूल टैंक 32 लीटर का है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm। व्हील बेस की बात करते हैं तो 2435 mm है। लेंथ है 3655 mm। वेट है 1620 mm। हाइट है इसकी 1675 mm। तो दोस्तों, आपके सामने ही गाड़ी है जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली है, एवरेज देती है और ग्राउंड में रोड पे सबसे ज़्यादा आपको वैगनार ही मिलेगी, क्योंकि सब चाहते हैं कि फ्यूल की थोड़ी सी बचत हो और आपको पता है कि पेट्रोल कितना महंगा हो, तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा ये गाड़ी बिकती है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में क्या क्या आता है, तो दोस्तों फ्रंट में लगभग ये सिंपल ही गाड़ी है, ना कि ज़्यादा स्पोर्टी है, तो लगभग सभी प्रेफर करते हैं। तो फ्रंट की बात करता हूँ तो दोस्तों फ्रंट में क्या क्या आता है। सबसे पहले सुजुकू का स्माइली लोगो आता है। फ्रंट ग्रिल भी इसमें क्रोम की दी गई है, आप देख सकते हो सामने, जो कि पहले से काफ़ी चेंज कर दी गई है। और इसके अलावा फ्रंट आपको अच्छी है दिख रही है। तो हम सेकेंडरी ग्रिल की बात करते हैं, जो कि रेडिएटर वगैरह लगा होता है और एयर की कंज्यूमिंग अच्छी होती है। नीचे ब्लैक कलर का ही दिया गया है सेकेंड ग्रिल, और नॉर्मल लाइट आती है, हेलोजन लाइट आती है इसकी नॉर्मल। इसके नीचे ही टर्न इंडिकेटर दिया गया है, लाइट भी काफ़ी अच्छी है और फॉग लाइट के लिए जगह भी इसमें दी गई है, आप देख सकते हो। फ्रंट से थोड़ी बोल्ड लुक तो आती है पर बट इतनी मुझे खास नहीं लगी, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, पर एवरेज के मामले में एक नंबर है। आपको सबको पता है कितना पेट्रोल बढ़ रहा है, तो CNG सभी प्रेफर्ड करते हैं। टायर साइज की बात करते हैं तो 155 80 13 स्टील व्हील 13 इंची आते हैं। फेंडर पे ही टर्न इंडिकेटर साइड में दिया गया है, आप देख सकते हो। नॉर्मल ही ORVM भी नॉर्मल दिए गए, जो कि हम बाहर से ही एडजस्ट करते हैं, ब्लैक कलर के हैं, आप इसे अपने हिसाब से पेंट करा सकते हैं। ब्लैक कलर के ही डोर हैंडल है बाहर से, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार मैं रियर में ले चलता हूँ, तो रियर में क्या क्या आता है। वैगनार की बैजिंग आपको स्टील में मिलेगी, ऊपर हाई माउंटेड लैंप है, आप देख सकते हो। इसके अलावा CNG की बैजिंग है, CNG गाड़ी है तो उसमें आपको स्टिकर मिलेगा, आपको अलग से आप पहचान सकते हो। LXi वेरिएंट में ही CNG आती है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे पार्किंग सेंसर, दो पार्किंग सेंसर इसमें दिए गए हैं, जो कि सेफ्टी पर्पज़ होती है। बैक करोगे तो आपको बीप की आवाज़ आएगी अगर कोई भी खड़ा हो तो। नीचे रिफ्लेक्टर भी बम्पर में दिया गया है और छोटी सी डिजाइनिंग इसमें दी गई है नीचे, जो कि अच्छी लगी कि बम्पर में कुछ डिज़ाइन किया गया है पहले से। और ये लाइट भी थोड़ी वॉल्वो की कॉपी हम कह सकते हैं कि वॉल्वो की लुक थोड़ी सी इसमें लगी है, तो काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। इसके अलावा मैं बूट स्पेस बता देता हूँ। वैसे एक्चुअली इसका बूट स्पेस 341 लीटर का है, पर CNG लगने के बाद इसमें इस बूट स्पेस ख़त्म हो जाता है, फिर भी हम छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। पार्सल ट्रे इसमें आती है, इसमें छोटा मोटा स्टेपनी बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। कंपनी फिटेड का अलग ही फ़ायदा होता है, क्योंकि जब गाड़ी बन रही होती है, जब भी फिटमेंट होती है इसमें CNG, तो बाहर से लगवाने में कोई फ़ायदा नहीं होता सेफ्टी पर्पज़ से। देखो CNG की फिटिंग काफ़ी अच्छी है, जो कि मारुति सुजुकी ही के अलावा और कोई CNG कंपनी फिटेड CNG देता ही नहीं है। इसके अलावा देख सकते हो पीछे से काफ़ी अच्छी है। मैं एक बार जहाँ से CNG डलती है मैं वो आपको दिखा देता हूँ पॉइंट। ये CNG क्लिप, इसका अगर कवर हटा दे तो CNG भरती है, अगर कवर अगर बाई चांस नहीं लगता है तो इसमें आप स्टार्ट गाड़ी को नहीं कर सकते जब तक ये क्लिप नहीं लगेगा। पेट्रोल का भी इसमें साथ के साथ, क्योंकि आपको बोनट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आउटसाइड फिटिंग CNG आपको बोनट खोल के ही भरवानी पड़ती है। साइड से अगर लुकिंग देखो तो काफ़ी अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करते हैं तो 165 mm का है, आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी आप रोड वगैरह देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इंटीरियर में एक बार मैं आपको ले चलता हूँ, इंटीरियर में दिखाया था। डोर हैंडल जो है ब्लैक है, लगभग इंटीरियर ब्लैक कलर का ही दिया गया है। इसमें विंडो लॉक है, मैनुअल सेंटर लॉकिंग है, दो पार विंडो ऑटो डाउन के साथ, दो पार विंडो फ्रंट की। यहाँ पर कुछ छोटा मोटा आप सामान रख सकते हैं, इसके अलावा एक बोतल, एक लीटर की बोतल रख सकते हैं, और यहाँ पर भी छोटा मोटा आप सामान रख सकते हैं। दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ टायर प्रेशर के बारे में, टायर प्रेशर कितना होना चाहिए, हम खुद भी अपना टायर प्रेशर
भर सकते हैं अगर कोई ना हो। सीट की अगर हम बात करते हैं तो फैब्रिक सीट दी गई है, डुअल टोन इंटीरियर दिया गया है गाड़ी में, आप सामने देख सकते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। फ्रंट से अगर स्टार्ट करते हैं अंदर से, एक एयरबैग दिया गया है। आप अगर ऑप्शनल लेते हो तो दोनों एयरबैग, यहाँ पर एक एयरबैग और भी आ सकता है अगर ऑप्शनल गाड़ी एलेक्सा सीएनजी ऑप्शनल आप अगर आप लेते हैं। इसके अलावा मैं मीटर में दिखा देता हूँ। कंपनी फ्रीड का ये फ़ायदा होता है कि अंदर ही सीएनजी का, डिजिटल मीटर के अंदर ही सीएनजी का पता लगता है, आउटसाइड में आप अलग से लगवाते हैं। पेट्रोल के आप इसमें आप देख सकते हैं, और सारे साइंस है इसमें, साइन हैं जितने भी आप मीटर में होते हैं। मीटर भी काफ़ी अच्छा नहीं है, लगभग ठीक है, एवरेज है। यहाँ पर आप एसी हीटर है, यहाँ से आप फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं, एसी हीटर है, एसी का बटन है। यहाँ से आप पैरों पे, मुंह पे, मतलब दोनों जगह आप कंट्रोल कर सकते हैं कहाँ आपको एयर लेनी है। यहाँ पर आप 12 वोल्ट का चार्जर का ऑप्शन दिया गया है यहाँ, और जगह भी नीचे काफ़ी अच्छी दी गई है, जगह भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। ये गियर नॉब है, ब्लैक कलर का ही आता है। ये हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक के नीचे भी आप छोटा मोटा सामान आप रख सकते हो, देख सकते हो, कुछ भी छोटा मोटा आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, कॉइन वगैरह कुछ भी आप देख सकते हैं। तो इंटीरियर भी ठीक ठाक है, इतना खास नहीं है। डैशबोर्ड भी अच्छा सामान आप रख सकते हो डैशबोर्ड के अंदर भी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लाइट का ऑप्शन है, डोर पर करोगे तो डोर की लाइट जलेगी डायरेक्ट, अगर लाइट जलाना ही चाहते हो तो डायरेक्ट लैम्प का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। सनवाइज़र इसमें दिए गए, वैनिटी मिरर इसमें नहीं आता है, इसमें आप कुछ भी छोटा मोटा डॉक्यूमेंट आप रख सकते हैं, इसमें जगह दी गई है। सनवाइज़र दोनों तरफ है। IRVM ऑटोमेटिक नहीं है, आपको हाथ से ही ऊपर नीचे कर सकते हैं, ना मैनुअल है। अगर हम बैक साइड के रेयर की बात करते हैं तो आप देख सकते हो छोटा मोटा सामान यहाँ पर रख सकते हैं, बोतल भी छोटा मोटा यहाँ पर भी सामान रख सकते हैं, और हाथ से ही मैनुअल है, हाथ से ही आप विंडो को चढ़ाओगे उतारोगे तो यहाँ पर मैनुअल ही है। आउटसाइड फिटिंग की मैं बात नहीं करता, पीछे पावर विंडो आती ही नहीं है। लेग स्पेस की बात करो तो काफ़ी हद तक ठीक है लेग स्पेस, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कम है, मुझे अच्छा लगा स्पेस, जिस हिसाब से सीएनजी गाड़ी बनाई गई है। पीछे से अगर हम पीछे से बैठ कर आगे का फ्रंट का देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बस पीछे जैसे पार्सल ट्रे तो उसमें ऊपर भी आप सामान रख सकते हो, जैसे डिग्गी में कम सामान आता है, और पीछे के जो हेडरेस्ट है वो फिट है, मतलब आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, और जैसे ही आगे के भी सेम है, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। इंजन की अगर मैं बात करता हूँ तो एक बार आपको इंजन में दिखा देता हूँ क्या क्या है। थ्री सिलेंडर इंजन है, आप देख सकते हो। इसके अलावा वाइपर का पानी आप यहाँ से भर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यहाँ पर गियर ऑयल के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल आप यहाँ से सर्विस के टाइम आप देख सकते हैं यहाँ से डलता है। यहाँ पर कूलेंट के लिए, कूलेंट के लिए, और यहाँ पर आप गर्म हो गाड़ी चल रही हो तो टच ना करे तो सबसे बेटर रहेगा। सीएनजी के लिए मीटर यहाँ पर दिया गया, क्योंकि कंपनी फिट सीएनजी का यही एकमात्र, आप देख सकते हो ये कंपनी फिट सीएनजी का ही मीटर है। और इसके अलावा आप बता देता हूँ मैं, इसमें ABS और EBD भी आती है। ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, ये आप देख सकते हो, जो कि सेफ्टी पर्पज से ही पार्किंग सेंसर, ABS, EBD और एक एयरबैग कंपलसरी गवर्नमेंट ने कर दिया है। आप देख सकते हो सारे फीचर्स मैंने आपको लगभग बता ही दिए हैं। आपको कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।